first class students, first of all the students take pledge with me. I, Mandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to take, follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Dear student, open your English book. Book name is The English Circle, a graded English course. Move to poem Someone Different on page number 41. करण एंड कोयल आर फ्रेंड्स. करण एंड कोयल हैं, वो फ्रेंड्स हैं. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, हमने वो देखना है. रीडिंग स्टार्ट करिए. यू डू नॉट हैव टू लुक वेरी फार टू सी, आपको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है. Someone who is different from you and me, जो आपसे और मुझसे अलग हो. You don't have to look very far to see, बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं है जो हम दोनों में अलग हो. Move to next page. Maybe they come from a land far away. Maybe वो धरती से हो जो बहुत दूर है. और मे बी दे आर पीपल यू सी एवरी डे, क्या पता वो लोग भी हो सकते हैं जो डिफरेंट हैं, जिनको हम डेली देखते हैं. विद डिफरेंट हेयर एंड डिफरेंट क्लोथ्स, कैसे हो सकते हैं, किसी के डिफरेंट हेयर्स हो सकते हैं, किसी के क्लोथ्स अलग हो सकते हैं, किसी की आईज अलग हो सकती हैं, अ डिफरेंट नोज, किसी का नोज अलग हो सकता है, और अ डिफरेंट आइडिया, किसी के आइडियाज़ भी डिफरेंट हो सकते हैं. आइडियाज़ मीन्स विचार, कोई बात है उस बात को लेके हमारे विचार कैसे हैं, वो भी अलग हो सकती हैं. डैट यू हैव नॉट हर्ड, हर्ड होता है सुना, ऐसे विचार जो कभी आपने सुने ही ना हो. सो If you want to learn about something new, इसलिए अगर आपने कुछ नया सीखना है, किसी चीज़ के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हो, be a friend to someone, किसी ऐसे का friend बनना है who is different from you, जो आपसे अलग हो. ठीक है, poem में क्या बताया है कि हमें अपने अलग अलग ऐसे फ्रेंड बनाने चाहिए जो हमसे अलग हैं, उनके आइज भी अलग हो सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मे भी वो कहीं और से आए हों, मे भी जो आप लोग डेली जिन लोगों से मिलते हो वो भी डिफरेंट हो सकते हैं. किसी के हेयर्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के क्लोथ्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी की आइज डिफरेंट हो सकती हैं, किसी के विचार अलग हो सकते हैं जो आपने कभी भी सुने नहीं होंगे. ठीक है, तो कुछ नया सीखने के लिए आपको नए फ्रेंड बनाने चाहिए जो आपसे थोड़े अलग हों. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एक्टिविटी है फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड फ्रॉम पोएम. पोएम में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लाइक डिफरेंट, एच ये ब्लैंक दी है, आर, तो यहाँ पे क्या हो सकता, डिफरेंट क्या क्या था, ये विद डिफरेंट हेयर, ए आई डिफरेंट हेयर, नेक्स्ट क्या था और क्या थे, डिफरेंट क्लोथ्स, सी एल ओ टी एच ई एस, क्लोथ्स, डिफरेंट क्लोथ्स से
अलग अलग हो सकते हैं लोग। और क्या था, आईज, डिफरेंट आईज भी थी, ई वाई ई एस। डिफरेंट नोज, डिफरेंट आइडिया, जो चीज़ें अलग अलग हैं उनको आपने यहाँ से देख के लिखना है। क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, हेयर, डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट आईज, डिफरेंट नोज, डिफरेंट आइडिया। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में एक्सप्लेन करूँगी। आप वोकैबुलरी वर्ड्स लर्न कीजिए टुडे, ठीक है। ये करेंगे मैच दी ऑपोजिट। बिग का क्या होता है, बिग होता है बड़ा, इसको ऑपोजिट बिग स्मॉल, स्मॉल के साथ मैच करेंगे। ओल्ड पुराना, न्यू नया, टॉल लंबा जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, शॉर्ट छोटा, अर्ली जल्दी उठना, लेट जो देर से, डर्टी गंदा, क्लीन साफ। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होती हैं जिनका साउंड सेम हो, जो बोले उनका सेम साउंड हो। सी बी अवे मे, जो सुनने में एक जैसे होते हैं। क्लोथ्स नोट्स, क्लोथ्स का नोट्स। न्यू फ्यू, ठीक है, ये आपने अपनी बुक के ऊपर करने हैं। नेक्स्ट जो हैं ये फोनिक साउंड हमने नहीं करने, लिसनिंग भी हमने नहीं करनी है इन दोनों को। ये आपको मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में कवर करूँगी विद क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस राइम वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।